तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश के यूनिट 3 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। माय शैडो पोएम जो है उसका क्वेश्चन आंसर। इस पोएम को मैंने पढ़ के समझा के इसको वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से देख सकते। लेट स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक, आपकी शैडो किसके जैसी दिखती है। आंसर, I think my shadow looks exactly like me. बिल्कुल मेरे खुद के जैसे ही दिखती है। क्वेश्चन नंबर 2, Why do you think your shadow jumps into bed before you can? आपको क्या लगता है, आप चढ़ के देखे कभी बिस्तर में, जब आप चढ़ते हो उससे पहले आपकी शेडो जाती होगी या नहीं। द शेडो इज नॉट अ फिजिकल थिंग, इट अपियर्स फास्टर देन लाइट, इट इज बिकॉज ऑफ दैट my shadow jumps into bed before I can. क्योंकि शेडो जो है वो कोई भी चीज नहीं है जिसको हम पकड़ सके, फिजिकल यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जिसको हम पकड़ सके या कोई जिंदा चीज हो, तो वो तो बस एक लाइट की रोशनी के पड़ने के कारण है। जहां पे रोशनी नहीं पड़ती है वो जगह हमें काली से शेडो दिखती है, और ये लाइट पड़ने से पहले ही आ जाती है, इसीलिए ये ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पहुंचने से पहले पहुंच गई हो। व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज When your shadow is the लंबा हो जाता है shadow? Answer, our shadow is the tallest in the morning, सुबह. It is because the sun rays are slanting at the time of sunrise. Sunrise के time में बहुत ही sun का जो rays होती है एकदम slanting, यानी ऐसे तिरछा पड़ता है, तो हमारी shadow भी उतनी ही लंबी हो जाती है। Question number 4, read the lines from the poem and answer the following. He is very very like me from the heels up to the head. Who does he refer to? He refers to the shadow. Who does me refer to? Me refers to the poet. Why are he and me alike? Answer, he and me are alike because they look exactly like each other. Shadow और मैं बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। Let's talk. इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? ये लड़का दौड़ रहा है, इसके पीछे पीछे कुत्ता भौंकता हुआ आ रहा है। Work in pairs and discuss the following. What would you do if a dog chases you? अगर आपकी आपका कोई भी कुत्ता पीछा करता है तो आप क्या करोगे? तो ये answers जो हैं, If a dog chases me, I would not run and instead walk slowly. अगर कोई कुत्ता आपके पीछे आता है भौंकते हुए तो आपको दौड़ना नहीं चाहिए, तभी अगर आप दौड़ते हैं तो कुत्ता भी दौड़ेगा। इसी तरह से चलना चाहिए जिस तरह से आ रहे आप चलते हैं, तो कुत्ता भी रुक जाएगा। एंड इफ यू हैव फॉरगेटन योर होमवर्क कॉपी एट होम, आप स्कूल जाते वक्त होमवर्क कॉपी अगर घर में छूट जाती है तो क्या करेंगे? इफ आई वुड हैव फॉरगेटन माई होमवर्क कॉपी एट होम, आई वुड अपोलोजाइज टू माई क्लास टीचर अबाउट इट, मैं क्षमा मांगूंगा अपने क्लास टीचर से। अगर आप यू आर अलोन इन ए रूम एंड द लाइट्स गो आउट, अगर आप अकेले हैं और करंट भी चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो क्या हो? इफ आई एम अलोन इन माई रूम एंड लाइट्स गो आउट, आई वुड लाइट अ कैंडल, देयर मैसेज, अच्छा एक कैंडल जलाना चाहिए। फन टाइम, शाइन ए टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शैडो ऑन द वॉल, इस लड़के को देखिए उसने अपने हाथ में टॉर्च से रोशनी डाली है तो पीछे वॉल में उसका हाथ का शेडो आ रहा है। मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शेडो ऑन द वॉल, हाथ को आगे पीछे करते हुए वॉल में जो शेडो आ रही है उसे देखिए। डू यू फाइंड द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल, आगे पीछे करते वक्त क्या आपको कोई डिफरेंस साइज की मिलती है? तो आप करके देखिए तभी आपको पता चलेगा। सो आपको शेडो कैसा दिख रहा है आप बताइए इस एक्सपेरिमेंट को करके। लाइट जब हाथ के पास में आएगी तो क्या होगा कि हमारा शेडो बहुत मोटा मोटा काला काला दिखेगा, और जब लाइट दूर जाती रहेगी तो लगेगा कि छोटा होते जा रहा है। अब कुछ वर्किंग टुगेदर दिया हुआ है, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5। Make a large hand on a plain sheet. एक हाथ का पिक्चर बनाइए प्लेन शीट में। Mark the names of fingers, thumb and palm on the hand. Use the hints given in the box. Forefinger, middle finger, ring finger, small finger and thumb. इन सबको
स्मॉल फिंगर को हम लोग लिटिल फिंगर भी कहते हैं, आप लोग मार्क आउट कीजिए. द रिएक्शंस इज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व व्हिच पार्ट ऑफ फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड. इन एक्शंस को कीजिए, देखिए तब आपकी उंगलियां कैसे आप लोग दिखाते हैं. कॉम्ब योर हेयर में क्या होता है, हमारी उंगलियां बंद करके हम दिखाएंगे. बाउंस ए बॉल में हाथ को ऐसे डाउन करके दिखाएंगे. स्क्रैच योर चिन में हाथ का, हाथ और फिंगर दोनों को ही आप एक्शन करते हुए ऑब्जर्व कीजिए. नाउ लेट्स राइट. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स. एक ब्लैंक है और ब्रैकेट में तीन ऑप्शंस है, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, उसी को आपको फिल करना है. वेयर इज द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल. वेयर इज द चाइल्ड हूज पेरेंट हैज कम टू स्कूल. I saw many houses dash were quite spacious. Which were quite spacious. Mathematics dash is my favorite subject. Is so interesting. Who which that? कौन सा आएगा? Mathematics which is my favorite subject is so interesting. The poem dash you read out is so lovely. The poem which you read out is so lovely. The poem that you read out is so lovely. I know the street which he lives on. I like reading books dash have pictures in it. The old lady whom I met in my house is my neighbor. Is tarah se aap complete kijiye sentence ko. Complete this description by answering the questions below. What do you think is the name of the dog? Why is she called that? What color is she? Do you think she is friendly? What does she like to eat? अब इस पिक्चर में देख के इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग बताइए. Write a few lines on मिट्टू and his little dog named Shadow. मिट्टू और उसके little dog के बारे में जिसका नाम है Shadow. लिखना है एक पैराग्राफ. यू कैन राइट लाइक दिस. मिट्टू इज अ वेरी शाय बॉय. ही इज 10 इयर्स ऑफ एज. मिट्टू हैज अ क्यूट डॉग नेम्ड शैडो. मिट्टू लाइक्स टू कॉल हर शैडो एज शी ऑलवेज फॉलोज मिट्टू व्हेरेवर ही गोस. क्योंकि मिट्टू जहां पे भी जाती है उसका जो डॉग है पिल्ला है वो भी पीछे पीछे जाते हैं, इसलिए उसने उसका नाम मिट्टू शैडो रख दिया. She is white in color. She is very friendly and loves her neighbors. She always enjoys eating chicken and the leftover bones. Now say aloud. Shoe, ship, shell, shadow, ship, shade, fish, dish, wish, bush, wash, brush. When the sun shines, I can see my shadow right in front of me. When I walk, my shadow walks. When I hop, my shadow hops. When I jump, my shadow jumps. And when I stop, my shadow stops. ये कुछ लाइन है जो कि लुईस बाइंडर्स स्कॉट ने लिखी है. Act out the poem as you read it slowly. धीरे धीरे पढ़ते हुए उस पोएम को एक्ट आउट कीजिए. सो यही है आज का क्वेश्चन आंसर्स. ये आपके लिए नोट्स है जो कि आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करके लर्न कर सकते हैं. थैंक यू. और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोगों को मेरा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं. और मेरे चैनल को अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं तभी सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियोस नहीं देखते हैं तो सब्सक्राइब मत कीजिए.